चलिए सीधा रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ। कोरोना एक महामारी है, कोरोना की दो वेव को हम लोगों ने सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। थर्ड वेव सेकेंड वेव की तुलना में अगर हम देखें तो संक्रमण में तीव्रता है, लेकिन उतना वह क्रिटिकल नहीं है और उतना खतरनाक भी नहीं है। हाँ, बीमारी है तो बीमारी में सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। बुजुर्ग लोगों को, बीमार लोगों को, कमजोर इम्यूनिटी के लोगों को और बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना होगा। ये हर एक की प्राथमिकता होती है और हमारे कार्यक्रम पहले से चल भी रहे हैं। मैं नियमित रूप से आधे घंटे के नहीं सही, लेकिन 25 मार्च 2020 से अब तक कोविड प्रबंधन की बैठक की समीक्षा स्वयं करता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक होगा। हम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने दो लहर का सफलतापूर्वक सामना भी किया और बेहतरीन कोरोना प्रबंधन से देश में भी और दुनिया में भी एक सराहना अर्जित की है। और मुझे लगता है कि थर्ड वेव आ चुकी है। थर्ड वेव में घबराने की आवश्यकता नहीं, भागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानी से इसका सामना करने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वे अपना वैक्सीन का डोज जरूर ले लें, क्योंकि यह फ्री है, सबके लिए है। 15 वर्ष से ऊपर का हर एक व्यक्ति कोरोना वैक्सीन का डोज ले सकता है और जो सतर्कता और सावधानी इसके लिए की गई है, जो गाइडलाइन बनाई गई है, उस गाइडलाइन का पालन करते हैं तो कोरोना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाकी हम लोग हैं ना कोरोना से जूझने के लिए। जाहिर सी बात है, लोग सरकार पर बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं, टकटकी लगा। लेकिन मैं ये महाराज जी जानना चाहूंगा कि भाई कोरोना की जो सेकेंड वेव थी उसमें काफी नुकसान हुआ, पूरे देश भर में हुआ। ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से लगातार काम किया, अंतर्राष्ट्रीय अगर मैं पत्रिकाओं की, मैगजीन्स की बात करूं, कहीं ने बहुत तारीफ की, बड़े बड़े राज्य।